क्या दिक्कत होगा इसका दिक्कत पता लगा है हमको सूचना द्वारा कि एक हमारे जो इसके अग्रगण्य थे माननीय सांसद दत्तराम मिश्रा जी, तो वो बेचारे कुछ फोटो से गिर गए, इसीलिए उसमें दूसरा एक दलाल पता नहीं कौन सांसद आ गया, वो जो पैसा देकर के और जीत लिया, उसीलिए कार्य सब रद्द कर कार्य नहीं चला, इसी से हमारा इच्छा कहता है कि रुका हुआ है। श्रावस्ती में कौन है सांसद? बीजेपी से ही है ना? नहीं, बसपा जी, बसपा का है, राम त्रोमण वर्मा नाम है। अच्छा जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या दिल्ली क्यों आना पड़ा श्रावस्ती से? दिल्ली आना पड़ा कि हमको रेल चाहिए। अच्छा, और रेल हमको हो जाए तो सुविधा हो जाए, विकास हो जाए, अन्न फैक्ट्री हो जाए, कोई भी कारखाना लग जाए, वहाँ कोई सुविधा जो भाई नहीं तो कौन जाएगा, क्योंकि साधन ही सब मार्ग होता है, और साधन ही नहीं तो कहाँ से आदमी चला जाए, क्या करें। श्रावस्ती का इतिहास, श्रावस्ती जो ऐतिहासिक जिला, वहाँ से गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यही नहीं है, महाराज दशरथ का जो है कौशल का वो राजधानी भी है श्रावस्ती, वहाँ जो तच पुष्कल जो है भरत जी के पुत्र, वो वहाँ के निवासी है हमारे, इसीलिए जो है हम लोग अवध प्रांत बोलते हैं, कोई भी पूछता तो कहते हैं अयोध्या से हम लोग, क्योंकि 84 कोस तक हमारी वो श्रावस्ती भी आती है परिक्रमा मार्ग में, इसीलिए हम लोग जो है अयोध्या बोलते हैं। आप लोग मोदी जी से नाराज तो नहीं है? जी नाराज तो नहीं है, नाराज नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है कि रेल हमको चाहिए। देश में तो बुलेट ट्रेन चल रहा है भाई, अहमदाबाद से जो है मुंबई बुलेट ट्रेन चलेगा। जी वो कागज में सब जगह सब कुछ दौड़ रहा है, लेकिन सामने कुछ नहीं प्राप्त। मोदी जी की गारंटी है, गारंटी जी, गारंटी अब कागज में गारंटी है, सामने कुछ गारंटी नहीं है, अब हम क्या बताएं, इसीलिए हमको आना पड़ा। पांच साल शिलान्यास हो गया, लेकिन आज तक कोई यूट्यूब में देखता हूँ, पेपर में देखता हूँ कि हाँ बस गाड़ी चलने वाली, सपने में देखता हूँ, मैं सपने में देखता हूँ कि बड़े बड़े लोहा पुल गिर गए हैं, बड़े बड़े वो गिर गए हैं, सब बन रहा है, मशीन लगी है, लेकिन सुबह उठता हूँ तो फिर देखता हूँ कुछ है ही नहीं। राम राज आ गया कहा जा रहा है देश में, तो राम राज में साधु संतों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, बताइए। अब करना पड़ता है, क्या किया जाए, अब वो ऐसे ही समय है कि करना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो चले फिरे हृदय से, बैठे देगा कौन, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने घर में बैठे रहो तो बैठे रहो, जब चलोगे कहोगे, पिताजी से भी कहना पड़ता है कि पापा हमारे पास खर्चा है तो वो देते हैं, इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जिससे कहना चाहते हैं कि हमारे श्रावस्ती को जल्दी से जल्दी रेल का व्यवस्था कराया जाए। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा काम हुआ है, काया पलट दी रेलवे की, आप कैसी बात कर रहे हैं कि रेल चालू? कहाँ काया पलट है भैया, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या काया पलट है, अब जहाँ हो रहा होगा कहीं पहाड़ पे तो ट्विटर नहीं देखते हैं, तो नहीं भागे कहीं कुछ नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, लेकिन देखो नहीं दौड़ रहा है। वंदे भारत चल रही है देश में, कुछ नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रही है, अब हमारे श्रावस्ती में कुछ नहीं है भैया। हाँ, ये यही नहीं सुना था, सुना था कि एयरपोर्ट बन गया, कह रहे 26 जनवरी, 26 जनवरी, पता नहीं कि 26 जनवरी बीत गई, अब हम लोग कहीं लखनऊ, कहीं सीतापुर, कहीं बहराइच, अब हम घर के जाते हैं कि 10 बजे पहुंच जाएं, फिर भी हम रात को 10 बजे पहुंचते हैं, बड़ी दुविधा है। माननीय मोदी जी से कहना है कि वो जल्दी से जल्दी रेल यात्रा शुरू करें। लेकिन कह तो रहे ना, देश में एकदम दंगा बज रहा है, भारत का मुझे दंगा बजवा दिया, अब बज रहा होगा कहीं पहाड़ पे, बज रहा होगा भाई, पहाड़े पे आजकल बजता है, समुद्र में बजता है या गुफा में बजता है, हमारे श्रावस्ती में तो नहीं बज रहा है। आप टीवी नहीं देखते क्या? टीवी क्या, हम हरदम मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी भी देखते रहते हैं, और यूट्यूब भी देखते, समाचार भी सुनते हैं, पत्र भी देखते, सब कुछ देखते हैं, लेकिन पहाड़ गुफा यही जगह जगह जो दिल्ली में फोटो देख रहा हूँ, बड़े बड़े लगे वो वही देखता हूँ और नहीं देखता हूँ। मोदी जी का नहीं देख रहे विकास? भाई कहाँ विकास देख रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं, यहाँ जमीन से गिरते पड़ते नहीं है, हमारे यहाँ डिपो भी नहीं है, बताओ भी नहीं। कहीं बलरामपुर जाना पड़ेगा तो कहीं तुलसीपुर जाना पड़ेगा, कहीं बहराइच जाना पड़ेगा, देश में रोडों का जाल बिछ गया है, कुछ नहीं बिछ गया सरकार, सब ये सब यूपी में ही हुआ है काम, श्रावस्ती में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक योगी मुख्यमंत्री जी, अब मोदी जी प्रधानमंत्री, उसके बावजूद भी एक साधु संत को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जी जी करना पड़ रहा है, क्या करें, नहीं है तो करना पड़ रहा है, क्या करें, इसको क्या, कौन सा युग का है, क्या युग, चाहे हो चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता मान लो, लेकिन काम नहीं है तो नहीं। क्या आप रामराज नहीं मानते इसको? जी रामराज क्या, हम तो हनुमान राज मानते हैं, कि हनुमान जी ना होते तो शायद हम ब्राह्मण भी नहीं रहे, नहीं करते, क्योंकि महावीर बिनवहु हनुमान राम जास जे आप बखाना, हम लोग हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान जी कृपा से चलते हैं, ब्राह्मण लोग जितने भी हम, हिंदू मजबूत हुआ है जी,
जी बहुत जाग गए हैं और जागते आ रहे हो, जागेंगे और करेंगे। यही नहीं, अभी लखनऊ जाएंगे, अभी श्रावस्ती में जाएंगे, जहाँ तक हमारा पावर तहत चलेंगे, नहीं तो 24 में पता लगाएंगे। अच्छा, आपको पता लगाएंगे, हम इतना ही कहेंगे, आगे नहीं कहेंगे। मोदी जी से नाराज, 24 में पता लगा, हम नाराज नहीं है ना भाई। मोदी जी और योगी जी हूँ और चाहे दुनिया के प्रधानमंत्री, किसी तरह नाराज नहीं है, लेकिन 24 में पता लगाएंगे अभी।